आहिस्ता बेटा, आराम से। इधर आओ बेटा, वो देखो यहाँ से जबल तारिक का मंजर, सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत नजर आता है ना? दादा ये बताएं, इस पार्क के लोग जबल तारिक क्यों कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। वो देखो वो पहाड़ तुम्हें अच्छी तरह नजर आ रहे हैं ना? जी दादा। ये हमारी तारीख के अजीम हीरो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मौसूम है। जबल तारिक पे तो आप मुझे तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनाएंगे ना? हाँ भाई, अब तो सुनानी ही पड़ेगी, मगर ये बड़ी लंबी दास्तान है। चलो बल्कि चलो वहाँ आराम से बैठकर सुनना। ये तो जल्दी चले दादाजी। देखो बेटा बहुत गौर से सुनो, ये कहानी इस्लाम की तारीख का एक रोशन बाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये जो ठाठे मारता बहरा रूम देख रहे हो, इसे तारिक ने उबूर करके यहाँ कदम रखा था। बेटा ये हमारी सरजमीन जहाँ आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मकाम शुमार किया जाता है और हम इसे उनलुस के नाम से जानते हैं। तारिक बिन ज़ियाद बचपन ही से एक बहादुर और जिंदा दिल इंसान था। उसका ताल्लुक शुमाली अफ्रीका के शहर तंजा से था। तारिक बिन ज़ियाद अंदलुस। बचपन ही से उसके अंदर कायदाना सलाहियतें नजर आने लगी थीं और वो लोगों को मुतासिर करने वाली एक बड़ी मशहूर कुन शख्सियत बन चुका था। फिर शुमाली अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर ने तारिक की सलाहियतों को उभारने और उनसे इस्लाम को फायदा पहुंचाने का पूरा मौका फराहम किया। मोहतरम गवर्नर मूसा बिन नुसैर से मुलाकात है। वो अंदर मौजूद हैं, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ तारिक बैठो। खबर में होने वाली बगावत को तुमने बड़ी बहादुरी और दानिशमंदी से खत्म किया, जिस पर तुम्हारे अफसरों ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की। अल्लाह हम सब से राजी हो। लेकिन उनका सरबरा तो वहां से फरार हो गया था। चलो फिलहाल शहर से तो चला गया, बाकी लोग ज्यादा अहम नहीं और वो लोग भी पहाड़ों में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। आज तुम्हें मैंने एक अहम काम के लिए बुलाया है। इतला आई है कि कबल के इलाके में बारबरों ने बगावत की है। वहां के वाली महीद्दीन के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमें अमीरुल मोमिनीन को फौरी मुतला करना है, जिसके लिए ये खत उन तक पहुंचाना होगा। शाम के रास्ते में पैगामात की तरसील रोकने के लिए कुछ जगहों पर बागियों ने डेरे डाले हुए हैं। रास्ता बहुत तवील और खतरनाक है और ये खत मेरी एक अमानत है, जिसे हर हाल में अमीरुल मोमिनीन तक तुम्हें पहुंचाना होगा। ये अहम जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हारे सपोर्ट कर रहा हूँ। अमीर मोहतरम, सामने दरिया आ गया है, क्या ख्याल है, थोड़ा सा आराम कर लें? वैसे कई सालों से मैं इस रास्ते का गाइड रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि जब भी मूसा बिन नसीर नौजवानों को खुसूसी मिशन पर भेजते हैं तो यही रास्ता अख्तियार कराते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ खतरा सा महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। अरे आप ऊपर जाएं, घोड़ों को मैं खाना खिला देता हूँ। खाना बहुत मजेदार है, आपको जरूर पसंद आएगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, शुरू करें। हाँ यूसुफ, ये बताओ तुमने घोड़ों को भी चारा पानी दे दिया था क्या? अमीर मोहतरम, मुलाजिम उनकी देखभाल कर रहे हैं। याद रखो और अपना उसूल बना लो कि अपने घोड़ों को हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाओ। मोहतरम मैं अभी जाके देखता हूँ।
अच्छा आप लोगों का सफर शाम की तरफ है। हम मशरक की तरफ जा रहे हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा, ये रास्ता कैसा रहेगा? एक महीना पहले यहाँ एक कारवां को लूट लिया गया था, इसके बाद से तो ऐसी कोई और इतला नहीं आई। अमीरे मोहतरम, आपका गुमान दुरुस्त था, घोड़ों को चारा भी नहीं मिला, इनका नौकर भी गायब है। ये तो अच्छी खबर नहीं है। चलो यहाँ रुकना अब ठीक नहीं। अब यहाँ से एक दुश्वार रास्ता शुरू होता है। हाँ, मगर हमलावरों के लिए ये जगह बेहद मौजूद है। ऐसा करते हैं, पहाड़ के ऊपरी रास्ते से चलते हैं। मगर अमीरे मोहतरम, इसमें हमारा काफी वक्त जाया होगा। फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता ठीक लगता है, हम आगे बढ़ते हैं और ये तासुर देते हैं कि हम यहीं पड़ाव डाल रहे हैं। इस तरह हमलावर फौरी हमला नहीं करेंगे। इस दौरान हम मौका पाकर अपने घोड़ों को एड़ लगा देंगे और तेजी से इस रास्ते से गुजर जाएंगे। चलो। रास्ता हमारे लिए नया और खतरनाक है, अपने हथियारों को तैयार रखो। सफर के दौरान हर तरफ से मुकम्मल होशियार और चौकन्ना रहना होगा। चलो। वो देखो पहाड़ के ऊपर। हाँ हाँ वो रे। अल्लाह अकबर। जी हाँ, मुझे लगा आ गए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। शुक्र है हम बखैरियत उस मुकाम से गुजर गए। यूसुफ का है? वो हमारे साथ ही है। ओ खुदा, यूसुफ तुम ठीक तो हो ना? यूसुफ आ जाओ, आराम से, आराम से, हौसला रखो, आराम से। शुक्र है खुदाया, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, फिक्र नहीं करो। अमीर मोहतरम आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूसुफ की फौरी इलाज के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। कासिम तुम यूसुफ के साथ ठहरो, मैं आगे जाता हूँ और यूसुफ के इलाज के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तुम सब बेवकूफ और निगम में हो, कहते थे कि यहाँ से तो उड़ते परिंदे को पकड़ लोगे, अब क्या हुआ? तीन बंदे तुम्हारे हाथ से निकल गए, तुम लोग सिर्फ बातें करना जानते हो। तब पीछा करो और खत्म कर दो सबको। अरे ये क्या हुआ, पकड़ो उसको, कौन है वहाँ?